हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके चैनल सक्सेस मीटर में। और जैसा कि आपको पता है, यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर की जूलॉजी का फर्स्ट पेपर, जो कि है अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। ठीक है, इसमें अभी तक हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट जो है वो कवर कर लिया है ना। मीन्स अभी तक जो है यूनिट फर्स्ट का वीडियो भी आपको मिल चुका है, नोट्स भी मिल चुके हैं। ठीक, तो अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा यूनिट सेकेंड, जो कि है वेक्टर्स एंड पेस्ट। यूनिट फर्स्ट हमारा पैरासिटोइड से रिलेटेड था, जिनका जो है कवर नहीं हुआ है, या जो अभी नए नए सब्सक्राइबर हैं वो लोग वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे जो है यूनिट फर्स्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। नोट्स के लिए आप लोग को पहले ही बताया गया है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि टेलीग्राम पे आप जाएंगे, वहाँ सक्सेस मीटर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वहाँ से आपको जो है जो भी वीडियोज़ हैं उनके नोट्स जो है मिल जाएंगे। ठीक है, जिन्हें कोई प्रॉब्लम हो वो टेलीग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू जो है कांटेक्ट कर सकता है। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकेंड। इसका सिलेबस जो है लास्ट वीडियो में दिया जा चुका है, होप कि सबने देख लिया होगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकेंड, जो कि है हमारा वेक्टर्स एंड पेस्ट। यूनिट सेकेंड है वेस्टर्न एंड पेस्ट। वेक्टर्स एंड पेस्ट के बारे में आगे पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि वेक्टर्स होते क्या हैं, है ना। इसमें जो है वेक्टर्स के बारे में लास्ट वीडियो में ही हिंट छोटा सा दिया था मैंने कि वेक्टर्स हैं क्या, कि एक क्या इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक, ठीक है, डिजीज़ को फैलाने का, लाने ले जाने का जो काम करता है उसको हम कहते हैं वेक्टर। मीन्स कि जैसे हम लोग किसी एक स्थान पर रह रहे हैं और वहाँ से हमें कहीं दूसरी जगह जाना है, तो हम क्या करते हैं, किसी न किसी व्हीकल का यूज़ करते हैं, कोई ना कोई व्हीकल लेंगे तभी तो हम जाएंगे। तो उसी तरह से डिजीज भी कैसे फैलती है, इसी तरह वेक्टर्स के थ्रू, यानी उसको लाने ले जाने के लिए किसी न किसी वाहक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये वेक्टर्स जो है क्या करते हैं, वाहक के रूप में कार्य करते हैं। जैसे लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था अभी ट्रिपैनोसोमा, तो उसमें क्या था, कौन था वेक्टर, सीसी फ्लाइज, है ना, अफ्रीकी देशों में पाई जाने वाली एक मक्खी। उसका आकार जो है वो नॉर्मल जो फ्लाइज होती हैं उनसे थोड़ा बड़ा होता है। ठीक, और ये क्या करती हैं एक तरीके से, मतलब ये ट्रिपैनोसोमा परजीवी को अपने ऊपर धारण करती हैं, उनको रहने के लिए स्थान देती हैं। तो जिसके थ्रू परजीवी क्या होंगे, इनके ऊपर पनपेंगे, फिर ये क्या करेंगी, किसी को बाइट की हेल्दी पर्सन को, तो वहाँ तक ये परजीवी पहुँच जाते हैं और फिर उसके बाद धीरे धीरे एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, इस तरह से ट्रिपैनोसोमियासिस डिजीज या अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस नाम की डिजीज है वो जो है फैलती जाती है। इस डिजीज के लक्षण क्या थे, कॉजेस क्या थे, वो आपको पता होगा, माइंड में चल ही रहा होगा कि लक्षण कैसे कैसे दिख रहे थे। पूरी बॉडी में ईचिंग होना शुरू हो गया, जोड़ों में दर्द हो रहा है, फिर इस तरह का, और फिर जी मिचलाना, सिर में अलग भारीपन, फिर रात में सोने में दिक्कत। ठीक है, इस तरह की जो है वो हमने लास्ट वीडियोज में, मतलब क्या फर्स्ट यूनिट में ही कम्प्लीट कर लिया है। ठीक है, लास्ट वीडियो में नहीं, फर्स्ट यूनिट में ही, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि वेक्टर्स होते क्या हैं, वेक्टर्स का काम क्या है। तो अभी तो नॉर्मली आपने देखा कि वेक्टर्स कर क्या रहा है, एक डिजीज को इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में लेके जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन क्या वेक्टर्स का सिर्फ यही काम है? नहीं, वेक्टर्स का यूज हम वहाँ भी करते हैं जब हमें किसी कैरेक्टर की, है ना, कैरेक्टर कैसे, प्लांट सेल या एनिमल सेल के किसी कैरेक्टर की क्लोनिंग करनी होती है, यानी एक तरीके से जीन क्लोनिंग में भी वेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा सहायक हैं। जैसे अभी आप लोग स्टडी कर रहे हो और मान लो आपके पास कोई टॉपिक का नोट्स नहीं है, तो और आपकी क्लास में किसी के पास भी नोट्स हो, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के पास, तो आप क्या करेंगे, उससे जो है उस नोट्स को लेंगे, फिर उसको आप जेरोक्स कराएंगे, है ना। तो जेरोक्स के थ्रू आपके पास भी नोट्स आ गया और उसको आप जो है अपने पास रख लेते हैं आगे पढ़ाई करने के लिए। फिर मान लीजिए किसी और ने आपसे मांगा उस नोट्स को, आपने वापस उसको फिर से दे दिया, फिर वो भी क्या करेगा, जीरोक्स करा के रख लेगा। तो इस तरह से एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास ये नोट्स जो है पहुंचता जा रहा है। तो इस तरह से हो क्या रहा है कि ये भी एक तरीके से क्या है, नोट्स में होता क्या है, जीरोक्स में पूरा का पूरा डिट्टो एक ही टॉपिक, जो जैसा लिखा होगा, जहाँ पे कटिंग होगी, जहाँ पे सही किया गया है, करेक्शन है, कुछ भी है, वो सब कुछ वैसा का वैसा ही जेरोक्स में आता है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी एक नोट्स की जो क्वालिटी है वो दूसरे नोट्स में भी हम जेरोक्स कराएंगे तो हमें मिलेगी ही।
तो इसी तरह से एनिमल सेल या प्लांट सेल की कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें आगे स्टडी के लिए संरक्षित करके रखा जाता है। या अगर हम ये चाहते हैं कि गुलाब के पौधा है जिसमें से पिंक कलर का फ्लावर निकल रहा है और हम चाहते हैं कि वो पिंक के साथ साथ रेड फ्लावर भी दे, तो हम क्या करेंगे? रेड फ्लावर वाले प्लांट की बडिंग लेकर या उसकी स्टेम सेल लेकर पिंक वाले के साथ ज्वाइन कर लेंगे, उसको जो है ग्रो कराएंगे और फिर वो क्या करेगा, उन दोनों को साथ में देना शुरू करेगा। ठीक है, जब ये नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी तो उसमें पिंक और रेड दोनों फ्लावर्स मिलने लगेंगे। कैसे? ये सब क्या है? क्लोनिंग के थ्रू ही। तो इस तरह से एक कैरेक्टर का दूसरे जो है किसी सेल में कैरेक्टर, उसी कैरेक्टर को, मतलब सेम कैरेक्टर को हम क्या करें, ट्रांसफर कर लें, ट्रांसमिट कर लें या उसकी क्लोनिंग तैयार कर लें। तो वो कैसे कर सकते हैं? वेक्टर्स के थ्रू, यानी एक वेक्टर्स के थ्रू ही हम एक कैरेक्टर को दूसरे जो है सेल तक कैरेक्टर को ले जा सकते हैं, है ना। तो वेक्टर्स के कई सारे यूजेस भी हैं, तो इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि वेक्टर्स होता क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फिर कौन कौन से वेक्टर्स हैं यानी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या हैं, उन वेक्टर्स का यूज क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और मैनी मोर, यानी कि वेक्टर्स के बाद फिर हम आगे टॉपिक पे जाएंगे पेस्ट के ऊपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वेक्टर। तो इसमें डिफिनेशन आप लिख सकते हो क्या, कि अ डीएनए मॉलिक्यूल यूज्ड एज अ व्हीकल टू कैरी फॉरेन जेनेटिक मटेरियल इनटू द अनदर सेल, है ना। एक डीएनए मॉलिक्यूल है, वेक्टर क्या है? डीएनए मॉलिक्यूल है जो क्या करता है, व्हीकल का काम करता है, किसी भी फॉरेन जेनेटिक मटेरियल को किसी अनदर सेल में जो है ट्रांसमिट करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल क्या क्या दिए हैं, फ्लाइज में हम देख सकते हैं, बग्स में, मैमल्स में, रोडेंट्स में, और भी बहुत सारे हैं। जैसे क्या फ्लाइज में क्या है, मॉस्किटो को अगर हम लेते हैं तो एनोफिलिस जीन्स होती है, जो एनोफिलिस एडीज क्यूलेक्स है ना, तीन मच्छर के नाम पता है सबको। तो एनोफिलिस क्या करता है, ट्रांसमिट करता है मलेरिया और एलिफेंटियासिस। फाइलेरिया पढ़ा था ना, फाइलेरिया के बारे में, बुचेरेरिया, बुचेरेरिया जो एक पैरासाइट था उसको हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक में, लास्ट उसमें क्या दिया था एलिफेंटियासिस के लिए, कि वो जो है क्या करते हैं, बुचेरेरिया जो पैरासाइट है वो एलिफेंटियासिस इस डिजीज का जो है कारण बनता है ना, उस पैरासाइट की वजह से ही ये फील पाँव, हाथी पाँव, ये इस तरह का रोग होता है जिसमें क्या होता है कि मनुष्य का हाथ या पैर, कोई भी अंग क्या होगा, अनिश्चित अनुपात में बढ़ता जाएगा, इतना ज्यादा कि फिर उसको सामाजिक और आर्थिक कार्यों में बहुत दिक्कतें आने लग जाती हैं। तो वो होता किसकी वजह से है, मच्छरों के काटने से। कौन सा मच्छर? एनाफिलीज, है ना। अगर इस तरह के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, अगर जैसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए बुचेरेरिया के बारे में, तो आप इसको डाल सकते हो, ये नोट्स में मिल जाएगा कि एलिफेंटियासिस जो है वो डिजीज किसके थ्रू होता है और कैसे फैलता है। ठीक, तो यहाँ एग्जाम्पल में हमने इसको लिया क्या, एनोफिलिस को, कि ये एक तरीके से वाहक का, वेक्टर का काम करता है, किसके लिए, मलेरिया और एलिफेंटियासिस के लिए, यानी किसी एक व्यक्ति से दूसरे में मच्छर अगर काट कर वो क्या करेगा, मलेरिया या फिर फील पाँव या हाथी पाँव, इस तरह का रोग फैलाने का पूरा पूरा जो है दमखम रखता है। ठीक है, पूरी क्षमता होती है इसके पास, एनाफिलिस के पास। इसका जो है दूसरा एडीज जो है वो येलो फीवर, चिकनगुनिया, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। चिकनगुनिया होता क्या है, इसमें भी तेज बुखार आना, सिर दर्द, उल्टी, ये सब चीजें होती हैं। तो ये बीमारी भी मच्छरों के काटने से हो रही है, और इसका वाहक भी कौन है, डेफिनेटली एडीज मॉस्किटो है। फिर सैंड फ्लाइज को अगर हम लें तो लिशमैनियासिस, ये भी एक डिजीज है, वो सैंड फ्लाई के थ्रू होता है। सीसी फ्लाइज बता ही दिया, सीसी फ्लाइज क्या है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस को फैलाने का काम करती है, वाहक के रूप में काम करती है, किसके लिए, ट्रिपैनोसोमा के लिए। और बग्स में हम एफिड को देखेंगे, वायरल डिजीज फैलाता है, किसमें, प्लांट्स में, रोडेंट्स में, रैट और माइस हैं, या फिर मैमल्स में हम बैट और कैट को ले लेंगे, तो ये क्या करते हैं, मतलब ये लोग एक तरीके से अपने ऊपर पैरासाइट्स को रखते हैं। ठीक है, इनके थ्रू ही पैरासाइट्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं, और फिर वो जो है फिर एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक डिजीज को लाने ले जाने का या फैलाने का काम कर रहे होते हैं। ठीक, तो ये थे हमारे वेक्टर्स, अब हम पढ़ेंगे वेक्टर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके,
देखते हैं कि वेक्टर्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है ना। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो है नोट किया गया है, उसको आप देख लीजिए, मैं बता देती हूँ और बाकी की चीज़ें आपको नोट्स में मिल ही जाएंगी। तो कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या देख रहे हैं कि वेक्टर्स कैसा होना चाहिए, स्मॉल इन साइज, है ना, साइज उसकी बहुत ही छोटी होनी चाहिए ताकि वो किसी भी सेल में जो है खुद को इम्प्लांट कर सके या वेक्टर जो है उससे कनेक्ट हो सके और उस कैरेक्टर, जिस कैरेक्टर को वो लेकर जा रहा है सेल के पास, उसको वहाँ पे फिट करा सके। फिर सेल्फ रेप्लिकेटिंग इनसाइड होस्ट, होस्ट के अंदर ही वो खुद को रेप्लिकेट कर सके, यानी कि उसके अंदर अपने आप को जो है गुणित करने की, रिप्लिकेट करना यानी कि बार बार अपनी संख्या को बढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए। इजी टू आइसोलेट एंड प्यूरिफाइंग, खुद से ही यानी बहुत ही आसानी से वो आइसोलेट हो जाए किसी भी सेल के साथ और अपने कैरेक्टर्स को उसमें जो है इन्वॉल्व करा सके। फिर मस्ट पॉजिज रेस्ट्रिक्शन साइट, रेस्ट्रिक्शन साइट और टारगेट साइट, इन सब चीज़ों के बारे में जब आप जो है ट्रिगर के थ्रू समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रेस्ट्रिक्शन साइट और टारगेट साइट होता क्या है। फिर है सुटेबल मार्कर जीन्स, मार्कर जीन्स के बारे में भी हम आगे डीप पढ़ेंगे। आइडेंटिफिकेबल एंड सेलेक्टेबल, आइडेंटिफिकेबल एंड सेलेक्टेबल होना चाहिए करेक्टर में लिखा है ऐसा है। इसका मतलब ये कि जैसे मान लीजिए अगर आप वो क्या किसी चीज़ की नोट्स की जेरॉक्स करा लेते हैं तो उस नोट्स को आप पहचान जाते हैं ना कि ये मेरा वाला है, ये नहीं कि किसी और भी किसी भी बच्चे का लेकर जेरॉक्स आप कहेंगे कि नहीं ये आपने कराया है। आप अपने जेरॉक्स को कुछ ना कुछ जो है आइडेंटिफाई के लिए कुछ ना कुछ उस पर मार्क बना के रखते हैं, तो उसी तरह ये वेक्टर्स जो होते हैं उनको भी जो है क्या करना चाहिए, मतलब उसके अंदर ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो होस्ट सेल में कैरेक्टर्स को लेके जा रहा है तो वो पहचान सके कि होस्ट सेल के कैरेक्टर्स को नहीं, अपने पास जो कैरेक्टर्स लेकर गया है उस होस्ट सेल में टारगेट करने के लिए, उसमें फिट अप करने के लिए, तो उसको वो पता हो कि ये कैरेक्टर्स हमारे हैं और वो होस्ट सेल के हैं, ठीक है, तो अपनी पहचान कर सके। फिर राइबोसोम बाइंडिंग साइट, राइबोसोम्स के साथ बाइंडिंग के लिए साइट होनी चाहिए, टारगेट साइट होना चाहिए और रेस्ट्रिक्शन, डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं या आरएनए है वो क्या करे, कहाँ पर कौन रिस्ट्रिक्ट होगा, कौन कहाँ पे ज्वाइंट होगा, उसके बारे में वेक्टर्स को पहले से कम्प्लीटली पता होना चाहिए। तो इस तरह के कैरेक्टर्स वेक्टर्स में होंगे तो वो क्या कहलाएगा कि एक अच्छा वेक्टर है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स के कौन कौन से प्रकार हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो इसमें पहला है प्लाज्मिड, दूसरा है बैक्टीरियोफेज, तीसरा है फैजमिड, फोर्थ है कॉस्मिड, पांचवें नंबर पे है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जिसे बीएसईज कहा जाता है, छठवां है सेम उसी तरह यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जिसको वाईएसईज कहा जाता है, और सातवें नंबर पे है ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जिसको हम एचएसईज कहते हैं, ठीक है। फिर आठवें नंबर पे हमें पढ़ना है रेट्रोवायरल वेक्टर्स, रेट्रोवायरल वेक्टर्स। तो ये आठ प्रकार हैं वेक्टर्स के जिनके बारे में हमें थोड़ी बहुत स्टडी करनी है। इनसे प्लाज्मिड पे, कॉस्मिड पे या फिर फैजमिड वगैरह पे आपको शॉर्ट नोट या फिर इनका जो है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के रूप में ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में आपको ये तीन चार टॉपिक, ये आप इसको जो है अच्छे से तैयार करेंगे, फैजमिड वगैरह को इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स में, और ये शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है और साथ ही साथ में कभी कभी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के रूप में, है ना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में पहला टॉपिक जो कि है प्लाज्मिड। ओके, प्लाज्मिड, और इसमें आइए हम देखते हैं कि इसका क्या क्या कैरेक्टर कैसा क्या है। तो प्लाज्मिड क्या है, जीन क्लोनिंग में जो है उपयोग होने वाला या जीन क्लोनिंग में यूज मिलाने वाला सबसे पहला वेक्टर है प्लाज्मिड, ठीक है। जीन क्लोनिंग जब शुरू की गई कि जीन किसी भी जीन्स की कैसे क्लोनिंग करते हैं या क्या उसके लिए किस तरह की चीज़ों की जरूरत होगी, तो उसमें जो सबसे पहला वेक्टर खोजा गया था वो था प्लाज्मिड, ठीक। ये होता क्या है, प्रेजेंट रहता है कहाँ पे, बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स का मतलब पता है आपको, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स यानी कि ऐसे जो है क्या होते हैं ऑर्गेनिज्म है जो इनके न्यूक्लियस वगैरह काफ़ी डेवलप कंडीशंस में होते हैं, है ना। तो यूकैरियोट्स में, आर्किया में या फिर बैक्टीरियाज में ये प्लाज्मिड वेक्टर काम करता है, ठीक है, वहीं पर रहता है। साइज इसका 1.0 से 250 केबी तक, 1 से 250 केबी तक होता है इसका साइज प्लाज्मिक वेक्टर का, और ये ओनली इनकोड दोज
प्रोटीन्स विच आर एसेंशियल फॉर देयर ओन, यानी उन्हीं प्रोटीन्स का संश्लेषण करता है जो प्रोटीन्स इसके खुद के लिए आवश्यक होते हैं, इससे ज्यादा हम इसको किसी चीज में उपयोग नहीं ला सकते। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिसएडवांटेज बन जाता है क्या कि इसका साइज कितना होता है, 1 से 250 के भी तो है, लेकिन लार्ज फ्रेगमेंट जो होते हैं है ना, लार्ज फ्रेगमेंट जो है उनको क्लोन नहीं कर सकते हम, इस प्लाज्मा वेक्टर का यूज करके लार्ज फ्रेगमेंट को क्लोन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 से 10 KB के बीच के जो DNA मॉलिक्यूल्स होंगे सिर्फ उन्हीं को ये क्या कर पाता है, रेप्लिकेट कर पाता है। ठीक है, तो ये दो टॉपिक जो है इसको आप डिसएडवांटेज यानी डिसएडवांटेज आप प्लाज्मा वेक्टर में लिख सकते हैं। फिर होते कैसे हैं, इजी टू मैनिपुलेट, इनको आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है, मोर स्टेबल होते हैं और हाई कॉपी नंबर, इनके उपयोग से यानी इनका यूज करके हम हाई कॉपी नंबर जो क्लोनिंग कर रहे हैं वो बहुत अधिक मात्रा में कर सकते हैं। ठीक है, छोटे फ्रेगमेंट के अधिक संख्या में क्लोनिंग की जा सकती है। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आप जो है किसमें डाल सकते हो, एडवांटेज में। ओके, फिगरिंग का कैसा होता है, थोड़ा जो है मतलब धागे जैसी संरचना दिखती है पतले पतले से, और ये प्लाज्मिड क्या करते हैं बैक्टीरियाज में या जहां भी रहते हैं वहां रहकर डीएनए मॉलिक्यूल्स को रेप्लिकेट करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है PBR322 है ना, तो PBR में P क्या है, हमारा प्लाज्मिड है, B है बोलीवर यानी कि ये साइंटिफिक नेम है, साइंटिस्ट का नाम है, और R से रेडिगल्स यानी कि दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्लाज्मिड के बारे में पता लगाया या इसके बारे में दुनिया को जानकारी दी। ठीक है, तो इसलिए उनके नाम का पहला पहला अक्षर भी एग्जाम्पल में नोट किया जाता है। साथ ही साथ लिखा हुआ है 322, ये क्या है, ये है नंबर ऑफ प्लाज्मिड यानी कि कितने सारे नंबर ऑफ प्लाज्मिड हैं जो हम एक ही लैब में तैयार किए होंगे। ठीक है, इन साइंटिस्ट ने 322 जो है प्लाज्मिड को एक ही लैब में तैयार किया होगा, इसलिए इस पूरे प्लाज्मिड का जो नाम हम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, PBR322। ठीक, तो ये था हमारा प्लाज्मिड। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर का सेकेंड पार्ट जो कि है बैक्टीरियोफेज यानी कि दूसरा टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए। हाँ, इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, इसके बारे में आपको जानकारी है ही। क्या करना है, टेलीग्राम पे जाकर आप सक्सेस मीटर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद उसे ज्वाइन कीजिए। जैसे ही आप चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं, सारे नोट्स आपको जो है आसानी से वहां पर मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।